Hello everyone, welcome back to my channel. Here's your friend Ritu. I hope that you're doing well. So welcome back to another exciting vlog today. So I'm sure कि आप लोगों ने मेरा thumbnail देख भी लिया होगा. तो आज मैं जा रही हूँ Rapsody Nail Studio for my nail extensions for my upcoming event. और उसके बारे में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी. But अब आगे बढ़ते हैं, as you know always कि मेरे साथ मेरी मॉम और मेरी चाची जाती हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जा रही हूँ दिल्ली Aerocity से द्वारका सेक्टर 21 जाऊंगी पैसिफिक मॉल में, क्योंकि उस मॉल में ही है Rapsody Nail Studio. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर प्रोसेसिंग अहेड वांट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय चैनल. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं D21 पैसिफिक मॉल में और बस यहाँ से सेकंड फ्लोर जाएंगे फूड कोर्ट एरिया में. तो मैं यहाँ से पता है सीधा सीधा जा रही थी, बट मेरी मॉम ने मुझे दिखाया ये रहा Rapsody तेरा. सो आई एम गोइंग इनसाइड ऑफ दिस. टेन मिनट्स लेटर. तो मैं यहाँ बैठ चुकी हूँ और ये सबसे पहला जो स्टेप होता है कि शॉपिंग वगैरह करने का और फी एजेस को हटाने का, तो यहाँ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है. इसी के साथ चलते चलते एक प्रॉब्लम या तो इन दीदी को भी हो रही थी और एक प्रॉब्लम मुझे भी हो रही थी. ये जितना मुझे कह रही थी अपना हार्ट ढीला रखो, मैं उतना ही हार्ट ढीला रख रही थी. इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं हार्ट टाइट रख रही हूँ. और ऐसे करते करते यार मेरी क्यूटिकल से ब्लड भी आ गया. इन्होंने पता नहीं, इनको करना नहीं आ रही, इतना जल्दी जल्दी करना चाहती हैं. जो भी है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फॉल्ट था. इससे पहले भी मैंने अपने पहले सैलून से मैंने सर्विस लिया नेल आर्ट की, तो वो जैसे करते हैं वो बहुत ही जेंटली करते हैं. मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि कोई इतने हार्ड तरीके से कर रहा है कि मेरे तीनों फिंगर्स से मेरे को ब्लड आ गया था सारे क्यूटिकल एरिया पे. और फिर भी मैंने सोचा कि यार ठीक है, पेशेंटली मैं बैठी थी कि मैं करके चली जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा इवेंट और उसके लिए मैं लेट भी हो चुकी हूँ. सो आज का दिन ही है मेरे लिए ये सब कुछ करने का. सेकेंड स्टेप हो गया अपना, फॉल्स नेल्स वगैरह जो हैं लग चुके हैं और ये एक टूल से क्यूटिकल्स को भी पीछे कर रही हैं और साथ ही में अभी ये मेरे नेल्स को भी कट कर रही हैं कि जितना मुझे साइज़ चाहिए उतना साइज़ वो रख रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी घर पे भी थोड़े थोड़े काम होंगे यार, इतने लंबे लंबे नेल्स नहीं रख पाऊँगी. फाइनली शॉपिंग करना हो चुका है बंद और मेरे नेल्स के साइज़ को भी आप देख सकते हो, मैंने कुछ ज़्यादा बड़े नहीं रखे हैं, छोटे ही रखे हैं. इतने तो यार होनी चाहिए ना, नहीं तो क्यों करा रहे एक्सटेंशन, क्या ज़रूरत है कराने की. ये वाला स्टेप ना मैं बताऊँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. ये वाइट जो सीमेंट लगाते हैं ना, वैसे वाइट सीमेंट नहीं है, उसके जैसा ही कुछ ना कुछ होगा. We'll be right back.
सो नेल आर्ट के डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के लिए यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। थैंक गॉड मम्मी और चाची मेरे साथ में आई थी तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी चूज़ करने में कि मैं कौन सा नेल आर्ट करवाना चाहती हूँ। तो उसी के लिए फिर मैंने देखा कि मेरा जो आउटफिट रहने वाला है वो मेरा ग्रीन कलर का रहने वाला है और उसमें थोड़ा शिमरी शिमरी वाइट भी उससे स्टोन से वर्क हो रखा है। तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग आज का मैंने अपना नेल आर्ट रखा है। तो प्लीज़ देखना और आपको कैसा लगे तो ज़रूर बताना कमेंट में। सीरियसली फ्रेंड्स यार इतनी देर बैठना तो यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और साथ में बस ये अच्छा लग रहा था कि अब जो नेल आर्ट हो रहा है उसे देख के लग रहा है नहीं यार कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। अब आ गई है बारी इसके अंदर फिल करने की। तो ये सिल्वर नेल पेंट से इसे फिल कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यार कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो यार सच में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे आउटफिट के साथ प्रॉपर मैच कर रहा है प्रॉपर एकदम। तो इसी के साथ अब बारी आ चुकी है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की। तो ये लगा रहे हैं कि जिससे इसको एक फाइनली फिनिशिंग लुक दिखे और ये नेल आर्ट इसी के साथ फिर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैंने ड्राई करने के लिए इस मशीन में अपने दोनों हाथों को इस तरह से रख ही दिया है आप जैसे देख ही सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हो चुका है नेल आर्ट कंप्लीट और नेल एक्सटेंशन कराने के बाद यार जो मैंने आर्ट लिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार एकदम एक्सट्रीमली फैबुलस। तनु बताओ आप कौन सी सर्विस दे रहे हो आई मीन क्या करवा रहे हो ये? अच्छा तो फ्रेंड्स तनु बिल्कुल मेरे साइड में ही बैठी थी और हम दोनों ही काफ़ी से बोर हो रहे थे तो हमने बातचीत वगैरह की। तो इसमें कितनी शेड्स आने वाली है? इसमें एक शेड आएगी ओके सिल्वर की और आई लव पिंक तो मैं पिंक करा रही हूं। पिंक पसंद है तभी पिंक कलर का लिपस्टिक भी लगाया। इट्स रियली नाइस टू मीट यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके भी। ए फ्यू मिनट्स लेटर थक गए चाची कितने दिन यू आर बैठे हैं भूख भी लगे हाँ तो चलो
अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हो? खूबसूरत अमेजिंग, ये बड़ा अच्छा लग रहा है ऊपर ना, बहुत अच्छा सुंदर सजाया। चलो अब खा लो, खाओ शुरू करो। चलो खाना शुरू करो। इट्स ऑब्वियस कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी है और हमने अपने अपने मनपसंद की चीज़ें वगैरह ली हैं। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो यार, मैंने छोले भटूरे लिए हैं और मम्मी के लिए मैंने लिया है दही भल्ले, उन्हें वो बहुत पसंद है। और चाची के लिए मैंने साउथ इंडियन फूड में इडली और सांभर लिया है। तो सच बताओ ना यार, ये मतलब तीनों ही आइटम काफ़ी ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा ही आ रहा है खाने में। फिर जाते वक्त फिर मैंने देखा कि पतीत पेरिस में मैंने बहुत सारे हैंडबैग्स देखे, उसमें से मेरी एक हैंडबैग पर नजर पड़ी और मैंने ले लिया। मम्मी गिर गए, मम्मी गिर गए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को रैप अप करती हूँ, मिलती हूँ फिर से किसी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। और प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वगैरह जो भी है सब कुछ कर दो यार, सब कर दो फटाफट। थैंक यू।